सो हेलो माय लवली पीपल्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे एक और अनदर वीडियो पर। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी थवाइत और आज ना मैं आप लोगों के पास लेकर के आई हुई एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो कि अभी बहुत ही ज्यादा सस्ती प्राइस में मिल रहा है एंड बहुत लोग इसे बाय कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइज, आज ना मैं बात करने वाली हूँ पैड्स के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होगा दुनिया में बहुत सारे पैड्स हैं, कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है तो कोई बहुत ही ज्यादा लो प्राइस का है एंड सभी के जो मतलब कवरेज है ना वो भी अलग अलग होती है। तो आज ना मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वह है मीशो से मंगाया हुआ प्रोडक्ट जो कि है परी का सैनिटरी पैड्स, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस में मुझे मिला हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या होते हैं, वुमेन्स लोगों को ना अपने हर मंथली साइकिल में लाइक पीरियड्स में बहुत सारे पैड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो का भी रहता है एंड लो फ्लो के अलग अलग पैड्स आते हैं। तो आज ना मैं जो प्रोडक्ट अभी आप लोगों को बताई हूँ वो वाला प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, तो देखो ये आप लोगों के हैवी फ्लो में भी काम आएगा एंड साथ ही साथ ना मीडियम फ्लो में भी काम आएगा, लो फ्लो में भी काम आएगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड मुझे ना ये मीशो में 150 रुपये में मिल गया था पूरा एक पैकेट, जो कि है टोटल के टोटल इसमें 40 पैड्स दिए हुए हैं। तो पैड्स की बात करूँ तो पैड्स का जो कवरेज है वो आप लोगों का फुल होना चाहिए, लाइक लीकेज बिल्कुल भी ना हो उसमें एंड जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए एंड बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो। तो आज ना ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ। आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी वाला प्रोडक्ट। पहले तो मैं आप लोगों के पास इसका रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद मैं आगे का बात करूंगी, क्योंकि वुमेन्स लोगों को ना हर मंथ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर आप लोग कोई सा भी पैड चूज़ कर रहे हो ना तो आप लोग उसको अच्छे से जाँच परख लो एंड उसके बाद यूज़ करो। किसी किसी पैड्स में ना कुछ ऐसे चीज़ें मिला होता है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो सकती है, आप लोगों का स्किन में रैशेस आ सकते हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोगों को अपने पीरियड्स के लिए ना एक मेन अच्छा सा पैड्स चूज़ करना चाहिए, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है। मेरा पीरियड्स काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल भी नो लीकेज, नो इरिटेशन, नो रैसेस, यार सच बताऊँ ना तो बहुत ही अच्छे से जाने लग गया। तो अभी ना मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट का रिव्यू देती हूँ। तो ये इसे ना मैंने मीशो से मंगाया हुआ था। पन्नी का आवाज़ आएगा हल्का हल्का, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो अभी देखो पसीना कितने ज़्यादा निकल रहा है, मैं गर्मी में वीडियो बनाने बैठी हूँ और थोड़ा एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसके दो पैकेट मैंने मंगाए हुए थे, एक को अभी यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को बता देते हैं। ये यूज्ड वाला है एंड ये है न्यू। तो दोनों को मैंने मंगाए हुए थे मीशो से। देखो मीशो में सेल चलते ही रहता आप लोगों को पता है, तो मीशो से ना मैंने जस्ट पैड टाइप किया एंड उसमें मुझे परी का पैड मिला एंड सच बताऊँ ना तो ये मुझे 139 रुपीस में एक पैकेट मिला हुआ है एंड इसका जो कवरेज है ना वो मैं आप लोगों को आज पूरा लाइव टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ कि कितना हद तक एब्जॉर्ब करता है। एंड पहले तो हम लोग इसका पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग कुछ इस तरीके के पिंक कलर की पैकेजिंग में आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है परी हैवी फ्लो चैम्पियन। सच बताऊँ ये सच में हैवी फ्लो को भी आप लोगों का कंट्रोल करता है भाई, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होने देता एंड साथ ही साथ इसमें डबल फेदर्स हैं, मतलब आप लोग समझते हो आप लोगों को फुल प्रोटेक्शन मिलने वाली है। एंड इसे मैंने लिया हुआ है एक्सेल का, डबल एक्सेल का भी आता है, आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोगों को और ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो। एंड इसमें आप लोगों को मिलते हैं टोटल के टोटल 40 पैड्स, ये देख सकते हो। एंड इसका जो मेन MRP है वो है 325 रुपीज़ का, 40 है तो होगा ही होगा। बहुत सारे पैड्स आते हैं जो कि ना मुश्किल से 6 पैड ना 6500 रुपीज़ मिलता है, ये तो हमको 40 पैड आप लोगों को 100 रुपीज़ मान करके चलो मिल रहे हैं, यार काफ़ी अच्छा डील में मिला मुझे। एंड आप लोगों को बता देती हूँ ये ना 280 mm लंबा होता है एंड साथ ही साथ इसकी चौड़ाई होती है पीछे की, क्योंकि ये एक्सल है तो इसकी चौड़ाई होती है 160 mm की, जिससे आप लोगों को ना रात में लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड ये हैवी फ्लो चैम्पियन है, इसमें ये मेंशन किया गया है, इसमें है आप लोगों का सॉफ्ट एंड रेस्टफी कम्फर्ट एंड सच बताओ इसमें बहुत ही अच्छा सा कंफर्ट आप लोगों को मिलता है, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग इसे पहनने के बाद में। एंड इसमें ना जेल ऐड है जो कि आप लोगों के एब्जॉर्बेशन को ना बढ़ाता है, आप लोगों का समझो यार एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है ना वो इसमें बढ़ी हुई है क्योंकि इसमें जेल मिला हुआ है। जेंटल फ्रेग्रेंस है इसमें एंड इसको पहनने के बाद ना आप लोगों को बिल्कुल भी कोई सारी गंदी से बदबू नहीं आने वाली है एंड साथ ही साथ डबल फेदर्स फॉर एक्स्ट्रा कवरेज के लिए। ओके, नाइट में भी आप लोग पहन के सो सकते हो, अगर आप लोगों को फुल कवरेज चाहिए तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। एंड इसको आप लोग ना इंस्टा फेसबुक सभी में फॉलो कर सकते हो, वहाँ के लिंक वेबसाइट है इसका www.parigirl.com, यहाँ से आप लोग बाय भी कर सकते हो। मैंने तो मीशो से मंगाया है, आप लोग मीशो से भी बाय कर सकते हो। तो चलो अब ना हम लोग इसे ओपन करके बताती हूँ कि आज सच में ये डबल फेदर्स वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर ना मैं यूज्ड पैकेट का आप लोगों को मैं बताती हूँ। ओके, तो इसमें से मैंने जस्ट एक पैड निकाली, इसमें से दो तीन बार क्या नहीं 7 से 8 पैड यूज हो चुके हैं। तो
तो ये है इसका पैड, आप लोग देख सकते हो. ओके एंड लंबाई आप लोग देख सकते हो गाइस, कितना ज्यादा लंबा है ये, डबल एक्सएल का, ये आप लोग देख ही सकते हो. एंड ना मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो है ना इसका पीछे का इलास्टिक काफी ज्यादा अच्छा दिया, मैं पीछे का जो स्टिकर है ना काफी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है. एंड इसमें जेल ऐड है बोल रहा है, तो जेल तो मुझे यहाँ पास कहीं पास नहीं दिख रहा है. एंड शायद ये हो सकता है जेल, आप लोगों को बता दूं, जस्ट वेट, शायद फोकस नहीं आ रहा था, ये हो सकता है जेल आप लोगों का. एंड काफी अच्छा फेदर्स आप लोगों को देखने को मिलता है. डबल फेदर का मतलब ये है कि ये सामने का है एंड ये पीछे का है. ओके जिससे आप लोगों को फुल कवरेज मिलेगी, फुल लॉन्ग लास्ट आप लोगों का पैड चलेगा. एंड सच बताऊं ना तो आप लोगों को पैड ना हर 2 घंटे में चेंज कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ. ओके एंड ये बहुत ही अच्छा कॉटन ही सॉफ्ट है, इसमें आप लोगों का जेल मिला हुआ है तो आप लोगों का ये क्विक एब्जॉर्ब करेगा. तो आप लोग ना, आप लोगों को इस प्रोडक्ट का यूज करके बताती हूँ, लाइव टेस्ट करके बताती हूँ कि कितना हद तक एब्जॉर्ब करता है. ओके बाकी एब्जॉर्बेशन की जो क्रिया है इसमें बहुत ज्यादा बताई गई है, जेल दिया हुआ है साथ साथ यहाँ पर कवरेज भी आप लोगों का अच्छा दिया हुआ है, जिससे ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा. इलास्टिक मतलब इसका जो ये है ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ये आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, एकदम ज़्यादा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों का स्टेबल होकर के रहेगा. तो चलो अब इसका लाइव टेस्ट देख लेते हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने ना पैड्स को ओपन कर लिया हुआ है एंड देख सकते हो इसका पूरा का पूरा व्यू आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड साथ ही साथ ना यहाँ पर मैंने लिया है वाटर जो कि 200 ml का है. एंड देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर मिला दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कितना एब्जॉर्ब करता है. यहाँ पर लाइनिंग दिया हुआ है जिससे क्या है कि पैड में जितने भी वाटर हम डालेंगे वो बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो. एंड इसका कवरेज आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, इलास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी. एंड चलो अब इसमें लाइव टेस्ट करते हैं. तो मैं अभी क्या करूँगी, वाटर ना एक एक चम्मच करके डालते जाऊंगी, आप लोग देख सकते हो एक ही बार में ना बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा, ये देख सकते हो आप लोग. एंड उसके बाद हम लोग ना कंटिन्यूसली डालते जाएंगे कितना ये वाटर इसका कैपेसिटी है मतलब एब्जॉर्ब करने का, वो हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है एंड उसके बाद ये 3रा चम्मच है, उसके बाद ये 4था चम्मच है. अभी मैं पूरा का पूरा ग्लास उठा करके डालने वाली हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिएगा कि किस हद तक एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पैट के लिए. तो आप लोगों यही करिएगा कि एक पैट ना जितना एब्जॉर्ब कर सके उतना अच्छा कवरेज का पैड लीजिएगा. देख सकते हो इसका एब्जॉर्प्शन कितना बेहतरीन कर रहा है, कॉटन ही सॉफ्ट है, इससे बिल्कुल भी रैसेस नहीं होंगे आप लोगों को. और आप लोग ना 2 से 3 घंटा में पैट को चेंज कर लीजिएगा एंड ये आप लोग देख ही सकते हो. यहाँ बस मैं डालूँगी, आप लोग देखना कितना जल्दी एब्जॉर्ब करता है. तो आप लोगों के लिए सही से सही पैड है. होप आप लोगों को ये वाला जो रिव्यू है ना पसंद आएगा एंड आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करोगे. एंड अगर आप लोग ट्राई करते हो ना तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करेगा. एंड अब देखो पानी कितना कम हो गया है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया. सो हो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वाला पैड पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को ये वाला पैड पसंद आया ना तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के वहाँ से बाय कर सकते हो. एंड साथ ही साथ मैं इसका वेबसाइट भी आप लोगों को वहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी जाकर के बाय कर सकते हो. एंड अगर आप लोगों को ये वाला रिव्यू एंड लाइव टेस्ट पसंद आया ना तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा.